हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z7S 5G फ़ोन है, तो IQ Z7S 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं अपने स्क्रीन सेवर ऑप्शंस का यूज़ करके, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्टेटस फॉर आइकन सेटिंग है, तो स्टेटस फॉर आइकन सेटिंग्स को आप कैसे कैसे सॉरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं कि डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना है। इस पे जाकर स्क्रीन सेवर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली क्लॉक को आप सर्च करते हैं तो क्लॉक एनिमेशन आप लगा सकते हैं, फ़ोटो एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो क्लॉक एनिमेशन आपका कुछ इस तरीके से शो होगा डिजिटल क्लॉक के हिसाब से, या फ़ोटो एनिमेशन चेक करना चाहें तो फ़ोटो एनिमेशन आपके फ़ोन में इस तरीके से शो करेगा, जिसमें कोई भी फ़ोटो शो नहीं हो रही है। आप यहाँ से जाकर कोई भी इंस्टाग्राम सर्च कर देते हैं तो इंस्टाग्राम फ़ोटो एनिमेशन शो हो जाएगा, क्योंकि हमारे फ़ोन में फ़ोटोज़ नहीं, इसलिए शो नहीं हो रहा है। पर यहाँ से आप एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, या सिंपली ऑफ़ कर दें तो कोई भी एनिमेशन आपके लॉक स्क्रीन पर शो नहीं करेगा, या ऑन करते हैं तो शो कर जाता है। या फिर यहाँ से विल डॉकेड या सिंपली विल चार्जिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन सॉरी लॉक स्क्रीन एनिमेशंस को आप सेट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।